खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है, और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में सूरत में केस डालते हो। अरे द ऑफेंस ऑकर्ड एट कोलार इन कर्नाटका, बट यू हैव रजिस्टर्ड द केस इन सूरत आउटसाइड द जुरिसडिक्शन एंड गुजरात। क्यों? बिकॉज यू वॉन्टेड द फेवरेबल गवर्नमेंट, देर इज ए गुजरात गवर्नमेंट एंड यू वॉन्ट टू यूज द पोलिस, यू वॉन्ट टू यूज आई कांट से जुडिशरी बट यू वॉन्ट टू यूज फॉर यूअर पर्पज टू डिफेम राहुल गांधी जी। दैट्स वाई यू पीपल ट्रांसफर द केस देर। देयरफॉर आई एम टेलिंग, ये कुछ सांठ गांठ दोनों की है, वो सांठ गांठ क्या है ये बाहर आएगा। तो इसीलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपन अर्लियर, फॉर स्मॉल थिंग्स, डिफेमेशन केस नॉट एक्सीडिंग 2 years, दैट सेंटेंसेस, बट नॉट एक्सीडिंग मीन्स 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं, 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा तराधुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में, लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना, अदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना। और ये सारी चीजें कब हो गई कि जब अदानी के खिलाफ राहुल गांधी जब बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, तब ये मोदी गवर्नमेंट डर गई।